जायद गुशकोरी कुछ ऐसे भी वजीर हैं इंडस्ट्री में, जायद गुशकोरी कुछ ऐसे भी वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर कुछ जायदादें खरीदी। ये बड़ा दिलचस्प है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा एक वजीर थी, उनके 157% बड़े हैं और इस दौरान उन्होंने एक असासा लंदन में खरीदा है और उनके ये बताना है कि पाकिस्तान से ज़मीन बेच के उन्होंने लंदन में एक घर खरीदा है यूके में। लेकिन उनसे कुछ जब मैंने सवालात किए थे, ज़ाहिर है इन सब लोगों से मैंने किए थे कि जो पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है उसकी कोई वजाहत कैटेगोरिकली सामने नहीं आई कि ये पैसा कैसे बाहर गया है। तो यही एक वजह है नदीम साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 वफाकी वज़रा को इनमें से अपने नोटिस पे रखा था, उनकी जब स्क्रूटनी की उनके एसेस बढ़े और हमें इस बात का पता नहीं था। जब मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि पॉलिटिकल फाइनेंस विंग जो कि कॉन्फिडेंशियल विंग है, ये 4 वज़रा कौन कौन से जिनको इलेक्शन कमीशन ने जिनके असासों में गैर मामूली इजाफे का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, वो 4 वजीर कौन कौन से जी? इनमें उमर अयूब खान है, उनको नोटिस पे रखा था कि गैर मामूली इजाफा है आपके असासों में। शाह महमूद कुरैशी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था और इसके अलावा और मुख्तलिफ वज़रा हैं। आज़म सवाती हैं, वो मैं आपको बताता चलूं कि उनके असासों में भी 203% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि उसके असासे 83 करोड़ थे जिसमें 41 करोड़ रुपए कर्जे उसने शो किए थे, लेकिन वो बाढ़ 4 वजीर आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने आपने नोटिस पे रखे थे, 4 वजीरों को इलेक्शन कमीशन ने आपने नोटिस पे रखा था, एक उमर अयूब हैं, दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं, तीसरे आपने कहा आज़म सवाती हैं, चौथे कौन है? और मैं स्क्रूटनी कर रहा हूं क्योंकि अभी हमाद अजहर थे, तो ये एक सिलसिला जिसे मैंने आपको बताया कि ये एक फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का 12 वज़रा का जो गैर मामूली इजाफा देख रहे हैं हम इसमें।